देख ही चुके हैं पीछे के क्लिप्स में कि उसमें कैसे कलश यात्रा निकली थी। तो उससे पहले गंगा घाट पर सब लोग एक साथ बैठ के पंडित जी वहाँ पे मंत्रोच्चार करते हैं और फिर वही कलश ले करके यहाँ पर सारे गांव वाले और गांव की औरतें बच्चे बूढ़े मतलब सब तरह के लोग कलश ले करके चल रहे थे। इसमें आप देख ही रहे हैं कि बूढ़ी महिलाएं भी हैं, तो इसमें बहुत सारी चाची और बुआ लोग हैं। तो मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में जिसमें मैंने गंगा घाट आरती दिखाई थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे गंगहारा गांव में ना वहाँ पर लास्ट में जहाँ पर गंगा मैया कटती जा रही थी और वो गाँव मतलब लग रहा था कि गाँव मतलब उस तरफ का ज़मीन ना मतलब ख़त्म ही होने वाला है, धीरे धीरे गंगा मैया आगे की तरफ बढ़ती चली जाती थी। तो वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये मंदिर भी गंगा मैया डुबो दें, लेकिन तो लास्ट में लोगों ने यही कहकर छोड़ दिया था कि देखते हैं गंगा मैया और हनुमान जी दोनों एक दूसरे के साथ डिसाइड करेंगे कि ये मंदिर रहेगा या फिर गंगा मैया के अंदर चला जाएगा। तो जैसे ही उस मंदिर के रास्ते तक गंगा मैया का कटाव होना शुरू हुआ था वहाँ से ना गंगा मैया का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। तो उसके बाद सभी गांव वालों ने ना इसकी खुशी में उस मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य दिया। माथा पर रखो, इतना भव्य मंदिर बन चुका है। आप अगर माथा पर रखेंगे तो उसमें आपको एक शॉर्ट्स मिलेगा जय श्री राम कहता हुआ। इतना ड्रोन व्यू है उस मंदिर का, इतना सुंदर इतना बड़ा मंदिर बनाया गया है कि मैं क्या बोलूँ। एक बार जरूर देखिएगा, उसमें पूरे राम दरबार की स्थापना हुई है, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा माँ हैं, सभी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो ये अभी वहाँ गांव की सभी महिलाएं जल लेकर पहुँच गई थी और आज शाम से मतलब कि राम कथा स्टार्ट होनी थी। उसके लिए आप देख रहे हैं कि सभी मतलब पंडित जी जब स्टार्ट करने वाले होते हैं तो कैसे उससे पहले आरती की जाती है और फिर मतलब आगे के कथा के लिए मतलब होता है कि अब कथा स्टार्ट होगी। उसके बाद हर दिन शाम को कथा होती थी और दिन में प्राण प्रतिष्ठा वाले मूर्ति का कार्यक्रम चलता था। आप पीछे देख रहे हैं बैनर लगा हुआ है प्राण प्रतिष्ठा श्री राम कथा समारोह और मन मतलब इतने अच्छे अच्छे ना मतलब मूर्तियां भी मंगाई गई हैं। ऐसा लगता है कि सारी मूर्तियां एक साथ बोल रही हैं
इवन इस राम कथा में आगे आपको देखने को मिलेगा कि कैसे राम विवाह भी होता है। तो राम कथा हो और राम विवाह ना हो, पूजन करें और फिर सरकार का पूजन करें और सभी माताएं बहने बैठ जाएं। मतलब ऐसा लग रहा था कि अब अंतिम घड़ी आई है और अब सबको फिर से इस मेमोरीज को याद करते हुए फिर से वापस अपने अपनी जगहों पर चले जाना। तो यहाँ पर देखिए राम और सीता जी को भेंट चढ़ाए जा रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने आरती की थाल लाए थे उनसे भी आरती कर रहे थे, फिर यहाँ पर कुछ लोग आशीर्वाद लेते हुए भी आपको दिखाई देंगे। तो मतलब एक अलग सी ही फीलिंग थी, मैं क्या बताऊँ, मुझे भी अच्छा लग रहा था देख करके, लेकिन मैं मिस कर रही थी कि मैं नहीं जा पाई। खैर ऐसा होता है, तो वो तो चाचा जी का धन्यवाद कि उन्होंने ये सारे वीडियोस मुझे भेजे थे और मैं उसमें आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए आप लोग भी मज़े लीजिए इसके। Oh, oh, oh.